में इतना एक और किस्सा मैं बताता हूँ। सोहराब मोदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, पुकार और झांसी की रानी वाले। शाहपुर जी के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया के आसिफ का कि वो शीश महल में एक दिन चुपचाप सोहराब मोदी को ले आए। के आसिफ साहब को पता नहीं, तो के आसिफ साहब देख रहे हैं कोने में खड़े हो के सोहराब मोदी को शाहपुर जी दिखा रहे हैं कि ये सेट है, इसको ऐसे शूट करना है। तो के आसिफ साहब को बड़ा गुस्सा आया और शाहपुर जी से उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है जनाब, ये शॉट जो है ये इस गाने का और शीश महल का मैं पूरा कर लूं, अगर इसको किसी दूसरे ने फिल्माया, किसी दूसरे ने शूट किया, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं इसके बाद मैं चला जाऊंगा बाहर, फिर आप किसी को मर्जी आए आप किसी को बनवा लीजिए। तो ये उसके पीछे बैकग्राउंड थे। अच्छा, शाहपुर जी ने कहा ठीक है। तो शाहपुर जी ने जब ये शूटिंग हो गई और जब वो नेगेटिव लंदन से आए, धुल के जब देखा, रिजल्ट देखे, तो उसके बाद के आसिफ साहब ने कहा कि अच्छा मैं चला, आपको सौरभ मोदी को बुला लो, जिसको और बुलाना उसको बुलाओ, मैं तो ये चला, अब मेरा काम खत्म। तो शाहपुर जी ने गले से लगा दिया, तू तो मेरा बेटा है, मैं गुस्से में बोल जाता हूँ, ये क्या मतलब है, तू ही पूरी करेगा। तो के आसिफ साहब ने कहा इसलिए तो मैं आपकी सुन भी लेता हूँ, वरना मैं सुनने वाला हूँ क्या किसी की। तो इस तरह से वो गाना फिल्माया गया था जी। माफी चाहता हूँ, अब चरित्रों की बात कर रहे थे। गाना क्या है, मुझे लगता है दुनिया के सिनेमा के इतिहास में ऐसा अद्भुत जो है गीत, और उसी वो जो बाद में जो इतने बिंबो आते हैं और कि पर्दा नहीं, जब आप देखिए बंदों से पर्दा करना क्या नहीं, लेकिन लेकिन उस उसमें एक गीत एक लाइन और आती है कि चारों तरफ है उनका नजारा। हाँ, अब देखिए वो कहीं ना कहीं या तो शकील बदायूनी साहब ने रखा इस गीत के, अगर मुझे ठीक याद है तो है शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, तो उनको ये कहा गया होगा कि आसिफ साहब ने हम उस वक्त ये दिखाएंगे। तो देखिए क्या गजब कमाल का गीत लिखा है, चारों तरफ है उनका नजारा और फिर वो कैमरा घूमता है, पर्दा नहीं कोई खुदा से बंदों पर्दा से नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना। यकीनन हमारे इनाम के मुश्तहिक है चारों का, ले जाओ इस खूबसूरत कला को। अच्छा राजेश जी, जब हमारी शादी हुई और शुरू शुरू में वाजपेयी जी खूब जो है ना ये डायलॉग बोला करते थे, तो मैं कहती हूँ कि कुछ डायलॉग बोल दे। जो मुद्दे की बात कर रहे थे कि जो हम बात कर रहे थे चरित्र चित्रण में, अगर हम संतराज का जिक्र नहीं करेंगे तो फिल्म का जिक्र आए आए रहेगा। अद्भुत कला है, यानी एक तरफ मुगल बादशाह है, इतना उसका भव्य सब कुछ है, आलीशान सब, लेकिन वहां वो जो संतराज है, जो मूर्तिकार है, वो अकबर की सारी भव्यता पर पानी फेरता रहता है। ये देखिए जी जी, सर्वहारा जिसको कहते हैं आम जनता और बादशाह, वो जो कंट्रास्ट करता है, कितने तरह के कॉन्फ्लिक्ट और कितने तरह के कंट्रास्ट इस फिल्म में, कमाल है। और वो लगातार चलने की दर्द दिखाता है, और वो जो एक जो मधुबाला को सीधे सीधे बजाय मूर्ति बनाने के जिंदा खड़ा कर देता है जैसे, तो कोई क्लासिक फिल्म ऐसे नहीं बन जाती। उसके विस्तार कितना होता है, उसके कथानक में कहां से कहां चीजें जुड़ती हैं। तो वो संतराज का जिक्र भी मुझे करना था, मुझे लगता है देखिए ना करें, और आपसे भी जानना चाहेंगे। मसलन मुझे नहीं लगता कि दुनिया के फिल्मों के इतिहास, मैंने हॉलीवुड के आपने भी देखी होंगी सैकड़ों, मैंने भी देखी है, वो जो एक दृश्य है जो प्रेम वाला, जब वो गा रहे हैं हमारे, तो वो तानसेन जी, और वो जो दिलीप कुमार मधुबाला का जो प्रेम दृश्य है जिसमें फूल झरे हुए हैं, ऐसा दृश्य मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा। मैं बड़े गुलाम अली साहब के, बड़े गुलाम अली साहब जी, लेकिन संग तराश के बारे में मैं आऊंगा, उस पर आता हूँ। आपने मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज याद दिला दी। संग तराश के बारे में एक डायलॉग जो उसमें आता है कि वो कहता है कि वो तीर ही क्या संग तराश जो दिल के पार ना हो, और वो बुत ही क्या जिसके आगे मगरूर सर खुद ना झुक जाए। तो संग तराश क्या कहता है, वो कहता है तो फिर मैं एक ऐसा बुत बनाऊंगा जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। ये होता है लोग देखिए, ये फिल्म ऐसे ही नहीं। अब मैं आता हूँ बड़े गुलाम अली साहब के जो प्रणय दृश्य था वो उसमें, जब वो तानसेन उसमें गाते हैं, तो तैयार नहीं हो रहे थे बड़े गुलाम अली साहब, फिल्मों में नहीं गाते थे। तो नौशाद साहब ने कहा, जब बात हुई जी, तो के आसिफ साहब ने कहा कि नहीं गाएंगे, हमको लेके चलो उनके पास। तो बड़े गुलाम अली साहब के पास गए, तो
गए साहब, बोले तुमको तो पता है कि मैं फिल्मों में नहीं गाता, तो के आसिफ, तो के आसिफ उनका भी अंदाज बड़ा अजीब सा था। वो हारमोनियम पर उन्होंने बड़े गुलाम अली साहब के वहां सामने कुछ रखा था, हारमोनियम नहीं था कुछ, बोले आप हमारे लिए गाएंगे। अब बताइए बड़े गुलाम अली साहब के साथ इस मुद्रा में कोई कह दे आप हमारे लिए गाएं, तो उन्होंने नौशाद से कहा ये पागल है क्या, ये पागल, इस पागल को क्यों ले आए हो। तो नौशाद ने कहा हाँ मैंने भी इससे कहा था कि वो नहीं गाएंगे, सचमुच में पागल है। तो अच्छा के आसिफ साहब ने फिर एक जेब से नोटों की गड्डी निकाली और रख दी, तो हटाओ इसको, बड़े गुलाम अली साहब ने कहा मैं पैसे वैसे नहीं चाहता। बोले मैं अभी इसका, नौशाद से बोले मैं अभी इसका पागलपन ठीक करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा एक ऐसी रकम मांग लूं जिसको वो कभी दे ना सके, तो उन्होंने कहा मैं 25, अगर गाना है तो मैं 25,000 रुपए लूंगा। तो दूसरी जेब से एक दूसरी गड्डी निकाल के आसिफ साहब ने उनको ये 25,000 रुपए आप हमारे लिए गाएं। अब क्या हुआ, जब वो रिकॉर्डिंग हो गई तो देखिए मैं बहुत शास्त्रीय संगीत का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन घटना का मुझे पता है कि कौन सा राग था, लेकिन जब वो उन्होंने गाया तो बड़े गुलाम अली साहब ने तो जो है अपने तरीके से गाया उसको, तो बड़ी भारी आवाज थी, और उसमें वो जो जो एक प्रेम दृश्य फिल्माते समय जो एक नरमी, एक मुलामियत, जो एक 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 भावुक प्रस्तुति होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही थी। तो बड़े गुलाम अली साहब से उन्होंने कहा कि ऐसे है ये मजा नहीं आ रहा है, अब चूंकि 25,000 रुपया तो ले चुके थे, उन्होंने कहा बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा क्या करें बताओ, तो बड़े गुलाम अली साहब ने कहा अच्छा ऐसा है कि जो तुमने फिल्माया है वो शूट वो मुझे दिखाओ। तो एक बड़े स्क्रीन पर उसको फिल्माया जो गया था वो दिखाया गया, उसको देख के बड़े गुलाम अली साहब ने फील किया और फिर वो गाया। तो इधर सामने स्क्रीन पर वो दृश्य चल रहा था और इधर बड़े गुलाम अली साहब गा रहे थे, 5 मिनट 56 सेकंड का शायद अगर मुझे ठीक याद है तो वो गीत है, वो जो जो क्या है वो जोगन जोगन प्रेम जोगन बन बन जाऊंगी। और एक और दो है उन्होंने गाए थे जो शुरुआत में आता है फिल्म के, कोई राज दुलारा बन हो गया, राज दुलारा टाइप ऐसे कुछ था, जब वो मेरे ख्याल है सलीम पैदा हुआ होगा तब उसके वक्त का है वो, क्योंकि अब कई बरस हो गए हैं देखे हुए, लेकिन जैसे कि आपने कई बार देखी मैंने भी कई बार देखी, तो ये बड़े गुलाम अली साहब का प्रसंग ये है। जी 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 तो और ये जैसे अब जैसे उसमें जो और कुछ चीजें हैं जो बहुत चमत्कार पैदा करते हैं, जो चिट्ठी भेजने की कला है उसके अंदर नहर पानी की वो सचमुच हुआ करती थी, नहर से डूब जाती और फूल से वो पत्र निकलते, यानी भव्यता कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, यानी एक एक फ्रेम में इतना भव्य, और यह है कि सचमुच वो, लेकिन उसमें जो एक अब बात ही आती है खाली प्रेम नहीं, फिर युद्ध भी आता है, युद्ध और वीरता और वो तमाम सारे दृश्य, तो कहां मतलब हम उनके उनकी बात करें अगर, जैसे मैंने यीशु की बात की, इसी तरह सबसे जो उसकी जान है वो तो डायलॉग है, और डायलॉग का चर्चा करना बहुत जरूरी है, यानी आप सोचिए वो जो दृश्य है जब सलीम को लाया जाता है और वो फिर उस पे जो है पूरा का पूरा दृश्य, और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस अजीमो शान तख्तो ताज से महरूम कर दिया जाएगा, फिर वो दिलीप कुमार के मुझे वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हो, वो ताज मंजूर नहीं जिसकी में सलीम का अपना ही दिल पैबस्त हो, ये जो है ना अरिया तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक लौंडी को नचाना चाहते, वो तमाम सारी चीजें जो मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट और उसकी बात। अब देखिए एक उसमें एक तरफ प्रेम है, लोगों की संवेदनाएं जाहिर अनारकली और उनके प्रेम में है, लेकिन उधर बादशाह को देखिए, वो जोधा जब उनको समझाती है और वो बादशाह का जो दर्द है कि अपने ही, वो कहती है ना ये तूफान निकल जाएगा, आप अनारकली को वो उनके प्यार को मंजूरी दे दीजिए तो सलीम आपका अपना हो जाएगा, कहता तो वो जो कहता है, कहते हैं बादशाह अपने ही बेटे की मोहब्बत पाने के लिए हमें कनीज का सहारा लेना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूंगा डायलॉग्स पे कुछ और बात बताएं आप। देखिए हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही, डायलॉग
चूंकि डायलॉग इस फिल्म में, एक बात और भी है, इस फिल्म में डायलॉग और संगीत के बीच में एक अजीब सा रिश्ता है। ऐसा नहीं है, डायलॉग हिंदी में थे, हिंदी के लफ्जों का इस्तेमाल हुआ था उसमें, उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल हुआ था, और फारसी और तमाम बहुत ही कठिन शब्द जो आम आवाम की समझ से परे थे वो डायलॉग उनका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन किसी ने उस दौर में ये शिकायत नहीं की थी कि कहानी समझ में नहीं आई या स्क्रिप्ट या डायलॉग की वजह से कहानी अच्छी नहीं लगी। एक बात और बता दूं मैं आपको कि क्या हुआ, एक दृश्य आता है कि जब वो 14 बरस के बाद आपने जो भी जिक्र कर रहे थे कि वो सलीम लौटता है, डायलॉग और संगीत का जो साथ की जो बात मैंने कही है, तो जब वो सलीम लौटता है तो जोधा जो है वहां पर एक मोतियों का पर्दा लगाना था, तो के आसिफ साहब इस जिद पे अड़ गए कि असली मोतियों का पर्दा चाहिए। अब असली मोतियों का पर्दा, शाहपुर जी असली नगीनों का पर्दा, अरे भाई आर्टिफिशियल बहुत मिलते हैं बाजार में, पर्दा मतलब कितने इतने किलो, क्या मतलब क्या है। अब फिर साहब इस पे फिर झगड़ा शुरू हो गया, फिर शूटिंग बंद दोनों के बीच, फिर मामला संवादहीनता की स्थिति कि मोती जो है असली आएंगे और वो जो पर्दा से गिरेंगे और वो मोतियां जोधा लुटाएगी के वो कनीजों में बांट देगी, अपनी बांदियों में बांट देगी। फिर इसी बीच में ईद आ गई तो शाहपुर जी को कहा कि लगा कि अब गड़बड़ हो गई है, पागल आदमी हमारे पीछे है लग गया है, तो अब इसको तो फिर ईदी में वो एक थाल में बहुत सारे नोट भर के ले गए, बोले ये तेरी ईदी है और भाई नाराजगी थूक थूक ये ईदी मंजूर कर। तो देखिए आसिफ साहब ने उसमें से एक रुपए का सिक्का उठाया और कहा जाओ ले जाओ इसको और इससे मोती खरीद के मेरा मेरे शूट के लिए मोती खरीद दो। क्या बात है, क्या बात। शाहपुर जी दंग, वो अंदर से जो उनका दिल था पिघल गया कि ये इसका ईमान देखो है। और वो फिर आए, मोती आए, नगीने आए, असली जवाहरात जो भी जो लाए गए। और फिर आसिफ साहब, मैंने कहा कि पागल, फिर आसिफ साहब ने कहा इनको तराजू पे तौलो और एक तरफ मैं बैठूंगा। तो आसिफ साहब तराजू के एक पलड़े पर बैठे, दूसरी तरफ वो मोती और नगीने चढ़ाए गए, और जब उनका जो 12 पाउंड वजन उनका ज्यादा निकला तब आसिफ साहब तराजू के पलड़े से उठे और वो अब मैं बात कर रहा हूं वो मोतियों का पर्दा बना फिर। ये कहानी थी, लेकिन यहां से डायलॉग और संगीत की बात शुरू होती है कि अगर आपको याद हो तो जब वो जोधा खुशी के मारे वो मोती लुटा देती है और वो मोती फर्श पर गिर जाते हैं और गिरते हुए फर्श जब झंझनाते हैं तो क्या सितार बजता है। अब वहां किसी डायलॉग की जरूरत नहीं, कोई संवाद नहीं चाहिए, अपने आप कम्युनिकेट करता है, वो संवाद करता है और भरपूर जो मोती है वो वहां पे जो उनका जो इफेक्ट साउंड इफेक्ट है वो बहुत देर तक चलता रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता। 10 सेकंड तो वो जो जब जैसे ही 14 बरस के बाद सलीम आता है और वो कहता है माँ, तो जोधा 10 सेकंड तक खामोश रहती है, पर्दे पर खामोशी है। तो चुप्पी के बाद भी, चुप्पी के संवाद लिखना साहब बड़ा कठिन होता है, और ये तभी कोई लिख सकता है जब वो उस किरदार को अपने भीतर धड़कता हुआ महसूस करे। जी तो ये वहां पर चुप्पी के संवाद है पूरी फिल्म में देखा जाए। बिल्कुल जी। और बीच संदीप मारवा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और शादुला नौजा जी जुड़ी हुई है, श्याम जी, डॉक्टर वैशाली शर्मा जी, जितिन शर्मा जी, अनिता चंद जी, राजेंद्र निगम राज जी, लता पाल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जी वाजपेयी जी, मैं ये कह रहा था अगर हम डायलॉग की बात करते हैं और वो डायलॉग वो उसकी याद करना बहुत जरूरी है कि भाई अब सलीम की ख्वाहिश थी कि वो उसकी मलिका बने और वो अकबर को वही दिमाग में भी वही था कि ये जो है इसने षड्यंत्र करके सलीम को फंसा लिया और इसको मलिका बनना। देखिए आती कि वो सलीम की ख्वाहिश पूरी करनी है, अब आखिरी ख्वाहिश होती है तो कहती सलीम हो, तो वो वहां पे जब वो उस पे ताज रख देते हैं कि सलीम की ख्वाहिश ना मतलब पूरी हो जाए, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो जो एक डायलॉग है वो एक लाइन जो है कमाल की है कि ये कनीज जलालुद्दीन अकबर को खून माफ करती है,
लेकिन आपको बताऊं, आपको एक बात बताऊं, ये जो डायलॉग है फिल्म के पर्दे पर जो जो संवाद लेखकों के जो नाम आते हैं उसमें के आसिफ साहब हैं और एक नाम मेरा ख्याल है कमाल अमरोही साहब का है, अगर मुझे ठीक याद है तो, अगर मैं गलत हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन दो नाम और भी थे, एक तो उसमें वजाहत मिर्जा साहब थे, ये डायलॉग वजाहत मिर्जा साहब ने लिखा था लेकिन उनका नाम कहीं पर्दे पर नहीं आता। अरे ये जी कि ये कनीज जलालुद्दीन अकबर को अपने खून का की सजा माफ करती, लाइक जैसे सरे से कुछ था ना, तो वो क्या अद्भुत डायलॉग था। और जो आप जो खत की बात कर रहे थे वो भी एक सज्जन थे, गुजरात से पहुंचे थे एक राइटर, वो उस समय विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन निकाला गया था तो डायलॉग राइटर्स को, तो उसमें गुजरात से जो सज्जन पहुंचे थे उन्होंने पतंग में के जरिए खत पहुंचाने का एक सिलसिला निकाला था, तो के आसिफ साहब ने इतने खफा हो गए उनसे कि उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया कि ये क्या फालतू की बात, गुजराती पतंग उड़ाते हैं तो ले जाओ, इनका टिकट कटाओ, ट्रेन से वापस भेज दो इनको। तो ये था। लेकिन लेकिन एक बात मैं कहूं आपको, जब मधुबाला की बात हम कर ही रहे हैं तो एक बात और हमें करनी चाहिए कि मधुबाला का चुनाव भी दरअसल कैसे हुआ था। नरगिस पहले थी तो नरगिस जब ये फिल्म दोबारा शुरू हुई तब तक नरगिस और दिलीप कुमार के बीच में अनबन हो गई थी जी। तो नरगिस ने मना कर दिया। इसके बाद गए नूतन के पास, नूतन ने कहा कि मैं तो बिजी हूं और मेरे पास अभी काम बहुत है, मैं नहीं कर सकती, आप मधुबाला को ले लो या फिर किसी एक एक कोई नाम और बुलाया। अब मधुबाला के साथ मुश्किल ये थी कि एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और उनके दिल में एक छेद था और कमजोर रहती थी, तो चूंकि मधुबाला की जो ड्रेस थी अपने आप में और बेड़ियों एड़ियों में जब जाना था तो वो सब चीजों को ध्यान में रख के हिचक रहे थे। कुछ एक मधुबाला के अपने जो पिताजी थे उनका नाम था अताउल्ला खान साहब, अताउल्ला खान साहब इतनी निगरानी रखते थे कि के आसिफ ने कहा कि भाई ये एक बार तो गुस्से में के आसिफ साहब ने बोल दिया उनको अताउल्ला को, यार आप इनके पिताजी हैं या इनके बॉयफ्रेंड हैं, आप इनका पीछे ही नहीं छोड़ते। ये है रिकॉर्डेड बता रहा हूं मैं आपको, एक शब्द में भी इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ये पूरे शोध की बात है। और एक बात और, जब अताउल्ला साहब जो है ज्यादा ही तंग करने लगे तो के आसिफ साहब ने फिर एक रास्ता निकाला, अताउल्ला को रमी खेलने का बड़ा शौक था तो उनके प्यार तो उनके एक प्यारो थे तारकनाथ, तो अब ये खड़े रहते थे अताउल्ला जी, अब अताउल्ला जी खड़े हुए हैं तो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा, जो प्रेम दृश्य है तो उसमें बेटी सामने हो कैसे, कॉन्शियस तो हो ही जाती है ना। तो तारकनाथ से अलग बुला करके आसिफ ने कहा कि यार जाओ इनको ले जाओ, ये नोटों की थैली है और रमी खेलो इनके साथ और तब तक हारते रहो और नोट उनके मुंह में भरते रहो जब तक कि हमारा शॉट ओके नहीं हो जाए। अब क्या बात, ये कहानियां जो हैं, अफसोस की बात यह है वाजपेयी जी, हमारा जितना अत्याचार हमने फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को नहीं लिखकर किया है, आप देखिए कितनी पीएचडी हैं, कितने शोध प्रबंध हैं, कितने पाठ्यक्रमों में ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो दुनिया में जब इसकी शूटिंग हो गई तो रूस से, चीन से, अफगानिस्तान के शाह और नेपाल के राजा और जाने कहां कहां दुनिया भर के देशों से लोग आए और देखा कि ऐसी भी एक फिल्म बनी है उस दौर में, कमाल की फिल्म थी। जब शीश महल पूरा सेट तैयार हो गया तो 3 साल तक वो सेट खड़ा रहा और लोग एक एक किलोमीटर तक लाइन लगती थी, लोग आते थे अंदर जूते उतार के जाते थे और शीश महल को देखने जाया करते थे 3 साल के बाद। उसमें कई उस शीश महल में फिर उसके बाद कई फिल्मों की शूटिंग हुई लेकिन 3 साल तक वो एक दर्शनीय स्थान था। तो कहने का अर्थ यह है कि एक जब आप एक एक जुनून की हद तक, पागलपन की हद तक जब आप अपने अपने इश्क को साकार करना चाहते हैं, अपने प्रेम को साकार करना चाहते हैं तो ऐसी चीजें बनती हैं। जी लगता है वो एक बात ये भी है कि कल्पनाशीलता की हम बात करें इसमें कितने, मतलब अब वो जो एक वो वही तो उस फिल्म को और आगे ले जाती है कि मसलन जैसे वो दृश्य आता है इतना, जब वो तोपे लगी हुई है और उसको जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत तो जिंदाबाद संतराज जब गा रहे हैं पूरी जनता में विलन है कैसे, मतलब कि वो सलीम को तोप से उड़ा दिया जाएगा और जब वो दृश्य जब वो क्षण आता है वो तोप घूम जाती है और वो पूछते मान सिंह, तो वो इशारा करते हैं, अनारकली आ गई है, तो
तो कल्पनाशीलता देखिए, फिर आखिरी में चूंकि अब वही जब अंगूठी जब गिर पड़ती है, जब वो उसकी अनारकली की माँ उनको बादशाह अकबर को जिस तरह झंझोड़ती है कि भाई खुदा तुम्हें देखेगा और तुमने तो वादा किया था वचन पूरा नहीं करते, अब वहां पर देखिए कितना एक दर्शकों में भी लगता है। और फिर वो जो अंगूठी इंसाफ के तराजू पे जाके गिरती है, देखिए वही सबसे दीवार में चुन देना उस पीड़ा को और वो निकाल देना, और वो नहीं अद्भुत है। तो ये जो कल्पनाशीलता फिल्म में बुनी गई है उसका भी कोई जवाब नहीं है। आपने अभी जंग की बात की थी, जब ये सलीम हार जाते हैं और जो दोनों की फौजों के बीच में, दोनों की सेनाओं के बीच में जब जंग होती है, तो उस जंग की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है वाजपेयी जी, अगर आपकी अनुमति हो एक मिनट में सुना देता हूँ। वो जंग की कहानी ऐसी थी कि जंग का बजट दिया आसिफ साहब ने शाहपुर जी को 3.5 लाख रुपए का। अब शाहपुर जी का तो फिर वही ब्लड प्रेशर हाई, 3.5 लाख का, ये वैसे ही ऑलरेडी बजट 10 फिल्मों का बजट हम खर्च कर चुके हैं, 3.5 लाख कैसे। तो नौशाद के पास भागे भागे गए और उन्होंने कहा कि नौशाद साहब ये पागल हो गया है कि आसिफ, इसको समझाओ 3.5 लाख रुपए में जंग हम शूट करेंगे। तो नौशाद साहब ने बुलाया तुरंत आसिफ साहब को, आसिफ साहब पहुंचे वहां पे और 2 घंटे तक झिकझिक हुई, तो बोले अच्छा 1.5 लाख में कर देंगे। और 1.5 लाख गए तो खुशी खुशी शाहपुर जी चले गए। इसके बीच में एक बात और हुई, जो शाहपुर जी के बेटे थे पालोन जी, उन्होंने कहा कि क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करते, इस फिल्म की जितनी शूटिंग की है जला दो इसको पापा, देखो इसको अब हमें नहीं शूट करना, मेरे लिए आपकी जान ज्यादा जरूरी है। तो बोले नहीं नहीं फिल्म तो बनेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कीड़ा क्रिएटिव आर्ट का, देखिए धन और कला के बीच में कैसा रिश्ता होता है, वो उस बात में सामने हुआ। तो जब वो चले गए शाहपुर जी, तो आसिफ ने अपनी सिगरेट सुलगाई और नौशाद से बोले कि ये बूढ़ा समझता है 3.5 लाख में ही शूट होगा ये, और यही तो नौशाद ने कहा भाई फिर मेरे तुमने 1.5 लाख रुपए क्यों बोला, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। बोले वो प्रतिष्ठा नहीं, आपको फिल्म की चिंता करनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर वो जंग का शूट हुई और उसका बजट मालूम है कितना पहुंचा, और वो शाहपुर जी ने पेमेंट किया 5 लाख रुपए, और 5.5 से 5 पहुंचा, 1.5 से 3.5, 3.5 से 5। अच्छा एक बात मैं बता दूं, उस समय इंडियन आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती थी इस तरह के जंग के कंडीशंस में। तो जो रक्षा मंत्री थे उस समय कृष्णा मेनन, उन्होंने इस फिल्म की जंग के दृश्य के लिए खास परमिशन दी थी, और उसमें आर्मी के जवान थे 8,000, 2,000 घोड़े आर्मी के थे और 4,000 हाथी आर्मी के थे, सेना के थे। सेना को इसका पेमेंट करना पड़ा, कर किया, लेकिन उस इंडियन आर्मी से उनको परमिशन लेनी पड़ी थी। और इनका जब हुआ तो एक उत्साह में एक बार के आसिफ ऐसे आ गए कि जब वहां बारूदी सुरंगें जवान सेना के लगा रहे थे और वो धमाका कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि एक हाथी जा रहा है, अचानक धमाका होता है, वो है सचमुच में ऐसा लगता है कि जैसे कि अरे ये कैसे शूट किया गया होगा, वो तो ऊपर वाले की का कर्म के कैसे हुआ, क्या हुआ उसमें के जो उसका था वो उसका जो रिमोट या जो बटन जिसको कहें, वो के आसिफ साहब ने थोड़ा जल्दी दबा दिया था, और वो तो हाथी को कुछ इंट्यूशन हुआ, उसने 2 डग या 3 डग जल्दी भर लिए और वो निकला और धमाका हो गया। तो ये एक उनके अंदर का एक पागलपन भी था। और उसके बाद वो कहते हैं, लिखते हैं कि उस फिल्म के में लोगों की जो खाल थी वो झुलस गई थी, लोगों के चेहरे काले पड़ गए थे रेगिस्तान की गर्मी में, मतलब उस टेम्परेचर में बार बार दिन भर कई बार रिटेक करना। तो जंग की कहानी ये थी, आपने जंग की बात कही और उसके बाद तो फिर शूट हुई फिल्म, ये हिंदी और अंग्रेजी और तमिल में इसको बनाने की योजना थी इस फिल्म को, और जी बनी थी ना जी, ये देखिए 3 भाषाओं में बनाने का हुआ था, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में। तो अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में तो नहीं बन पाई, तमिल में जरूर बनी थी, और तमिल में अगर मुझे ठीक याद है तो के वासन ने उसको तमिल में रिलीज किया था, और उसके बाद ये तमिल में भी बनी थी, 3 भाषाओं में बनी थी और बहुत कामयाबी इसको मिली थी। तो लेकिन ये अद्भुत थी, ये बात कर रहे थे वहां भी वो जो बेटे
कि वो सर, मतलब सलीम के वहां पहुंचा दिया खेमे में बादशाह को, वो बेटे और वो पिता वाला जो वो है संवाद वहां भी वो अद्भुत है कि बेटे वो बादशाह बेटे पिता के वेश में आया है, वो कहता नहीं बादशाह रोया नहीं करते, ये बाप के आंसू है। तो वो हाँ बिल्कुल, आप जो है पिता के वेश में बादशाह आया है, यही बिल्कुल सलीम ने यही बात की। लेकिन हमें एक राजेश जी, हम दोनों हमें बात करना चाहिए, बहुत समय काफी हो चुका है हालांकि, वो ये है कि जो देखिए एक जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जो एक आपस का एक एक बहुत लंबी परंपरा है आपसी प्यार मोहब्बत की और भाईचारे की, इस पूरी फिल्म में देखिए उसको किस तरह मेंटेन किया गया है। अगर राजपूत है, राजपूती शान, राजपूतों का जो सम्मान, या वो जो देखिए अकबर और जोधा में जिस तरह के संवाद है, वहां राजपूतों का जिस तरह वो महिमा मंडन जिस तरह किया है, ये भी बहुत एक बहुत बड़ी बात है। एक पूरी फिल्म का जो कल जिसको कहते हैं ना एक वैल्यू सिस्टम, एक फिल्म का जो होता है, एक पूरी फिल्म का एक संदेशा जो होता है, एक पूरी फिल्म का एक वातावरण होता है कि वो कैसे एक सद्भावना जो होती है वो हमें पूरी तरह नजर आती है। मैं चाहूंगा इस पर भी आप तो कहें। जी आपने बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, और हम देखते हैं कि जो आज का जो जमाना है, आज का जो दौर है, उसमें हम कई तरीके के फितूर दिमागों में पालते हैं, कई लोग बात भी करते हैं, लेकिन वो दौर हिंदुस्तान में ऐसा भी था, और खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री इस बात की गवाह थी कि हमने देखा कि कई हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं था, हिंदू किरदार थे वो मुस्लिम नाम रख रहे थे, मुस्लिम किरदार जो थे जो लोग थे वो हिंदू नाम रख रहे थे, और एक अजीब सी ऐसी गंगा जमनी तहजीब वाली संस्कृति थी। अब देखिए कि जैसे जब ये फिल्म पूरी हो गई, तो जब फिल्म पूरी हो गई तो एक मराठा मंदिर जहां जिसमें 77 सप्ताह तक वो फिल्म चली थी, 77 वीक, तो उस मराठा मंदिर में के आसिफ साहब ने खुद पंडितों को बुला के उसका पूजन करवाया, वहां पे वो खुद बैठे उस पूजा में बैठे, और किसी पंडित में के मन में ख्याल नहीं आया, उस समय दिमागों में किसी के फितूर नहीं आया कि यार ये कैसा क्या है, ऐसे क्यों बैठ रहे हैं। जो खिड़की थी जहां से एडवांस बुकिंग होती थी, उस खिड़की की पूजा खुद के आसिफ ने की, क्या बात, मराठा मंदिर सिनेमा में। और क्या बात थी कि देखिए आप, मैंने अभी आपके आने के पहले ममता जी को बता रहा था कि एक फिल्म अनारकली जो बनी थी, जो उसमें पहले जो इनके नजीर इनके मामू थे और उन्होंने मदद की थी, और वो सब उसके अभिनेता और अभिनेत्री कुछ पाकिस्तान चले गए थे, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पाकिस्तान से वो जो हकीम साहब थे जिन्होंने पहले अनारकली बनाने का वो किया था, वो और नजीर उनके जो मामू थे वो पाकिस्तान से आए, और जब पाकिस्तान से भीड़ उमड़ने लगी, वीजा लेके आने लगी इस फिल्म को देखने के लिए, तो मराठा मंदिर के मालिक को पता लगा, तो मराठा मंदिर ने कहा हमारे उन भाइयों को सलाम है आइए, और उन्होंने मराठा मंदिर के भीतर एक स्पेशल काउंटर बनवाया जहां पर वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ और अपना टिकट ले जाओ। ये एक आपने जो बात कही है वो दरअसल ये फिल्म वास्तव में दुनिया के इतिहास में ऐसी अनोखी फिल्म है कि क्या कहूं मैं, मतलब जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी और 3 दिन जिस दिन उसको तो 3 दिन पहले से विंडो पे लाइन लग गई थी, लोग जाते थे उनके घर के लोग टिफिन देके आते थे या एक दूसरे की पारी बदल के खड़े हो जाते थे, कतारें कई किलोमीटर तक थी, वहीं रात को सोते थे, वहीं जागते थे और टिफिन वहीं खाते थे, खाना वहीं खाते थे, बारिश आ गई बीच में तो बारिश के बाद भी लोग डटे रहे, और जो प्रिंट थे जो माथुर साहब सिनेमेटोग्राफर थे एक बड़े सजे धजे हाथी पे वो प्रिंट लेके पहुंचे और उनका बैंड बाजे के साथ वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, खैर मकदम हुआ, और उसके बाद और भीड़ इतनी कि मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण थे उनको वहां पहुंचना था, तो वो उनको वहां बहुत जो कि 5 मिनट का रास्ता था उनको 1.5 घंटे लगा उनको वहां पहुंचने में। तो ये एक इस फिल्म की मैंने कहा ना कि हम अफसोस की बात ये है कि हम अपने इस इन ऐतिहासिक जो हमारी रचनाएं हैं इन रचनाओं के बारे में एक तो अपनी नई नस्लों को दे नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ये बंद अध्याय कितने लोगों को पता है, हम रिसर्च नहीं करते, हमारे यूनिवर्सिटीज उन पे पाठ्यक्रम नहीं चलाती, उन पे हम PhD नहीं कराते, हमारे छात्र उसमें फुल टाइम काम करने का प्रोफेशन नहीं देख पाते,
तो अब क्या इसका एक है तकलीफ है। बिल्कुल, कौन जानता है कि पहला टिकट अजमेर से खरीदने के लिए बॉम्बे गए थे, स्पेशल जो ट्रेन में गए थे, उनका नाम था संपतमल लोढ़ा, जिन्होंने मुगले आजम के इतिहास का पहला टिकट खरीदा था विंडो से। क्या बात है, अब ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए मास्को मेरा जाना हुआ था, वो लोग पीएचडी कर रहे हैं फिल्म के ऐसे अच्छे अच्छे विषय लेकर के, लेकिन भारत में आप सही करें कि अभी भी वो चेतना, बल्कि माधुरी एकमात्र ऐसी पत्रिका थी, अरविंद कुमार जी अभी हमारे हैं, जो जो जिसमें सचमुच इसको हम फिल्म पत्रिका कह सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज तक में जाती थी, वरना उस तरह की कोई पत्रिका भी नहीं आई, एक आधा अपवाद आ गई, वरना सच कह रहे हैं ये बहुत बड़ा संकट है कि हमने सिनेमा को कभी उस तरह से कला के नाते उस तरह तवज्जो दिया नहीं, तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। बहरहाल अब आखिरी में आप कोई बिल्कुल हमें तो निकलना पड़ेगा, बहुत अच्छा लगा जा तो कुछ आप कुछ और कहना चाहें तो बहुत बहुत आपका बस स्वागत। मैं एक टिप्पणी के साथ में मैं भी, मुझे लगता है कि वक्त हो रहा है कि आप ताज्जुब करेंगे कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म इंडस्ट्री का छोटा बड़ा सारे अभिनेता वहां पहुंचे, एक एक डायरेक्टर वहां पहुंचा और इतना बड़ा जलसा हुआ, लेकिन अगर कोई गायब था तो इस फिल्म का नायक और नायिका ना दिलीप कुमार थे और ना मधुबाला वहां थी। मधुबाला बहुत बीमार थी और दिलीप कुमार और के आसिफ में खटपट हो गई थी, इसलिए के आसिफ साहब ने दिलीप कुमार साहब की छोटी बहन के साथ गुपचुप लंदन में जाके शादी कर ली थी और इससे दिलीप कुमार बेहद खफा थे, तो दिलीप कुमार भी उसमें नहीं गए थे। लेकिन ये पर्दे के पीछे की कहानियां कुछ इस तरह की हैं इस फिल्म की, जो हमको और हमारे बीच में कई तरह के किस्सों को जन्म देती हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो कोशिश की है, ये पूरे दस्तावेजी साक्ष्य जिनके मौजूद हैं वही घटनाएं आपको बताई हैं, और आज हमने जैसे मुगले आजम पे बात की है, ये निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी बातचीत रही होगी। और हम जीवित हैं 95 साल से ज्यादा, 96 साल करीब हैं, उनको कितना अच्छा लगता होगा ये सब कि उनके पिता ने कितना जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए की किताब आई है एक दास्तानी मुगले आजम, जो कि उन्होंने 15 वर्षों के शोध करके ये किताब लिखी है, तो जब इसको बनाने में 16 साल लगे और उनको ये किताब लिखने में शोध जी, वो मेरे बहुत ही आदरणीय मित्र हैं राजकुमार केसवानी जी ने दास्तान मुगले आजम लिखी है और बहुत अच्छी किताब लिखी है और बहुत ही शोध और प्रामाणिक, क्योंकि वो फिल्म पे लिखना और फिल्मी किरदारों पर लिखना उनका बहुत बहुत गहरा काम है, और वो चूंकि पत्रकारिता में आने से पहले फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए वहां के बहुत ही एक तरह से जानकारों में से उनका नाम लिया जाता है, तो ये है। लेकिन और आखिरी बात मेरी तरफ से तो इतनी होगी, जो भी यहाँ देख रहे हैं या जो भी बाद में वीडियो देखेंगे या जिनको सिनेमा में दिलचस्पी है, आज तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ मत करो, घर बैठे फिल्म बना डालो जो बनाना, लेकिन वो जमाने के हम देखते हैं वो जुनून, वो इस तरह का इतनी भव्य फिल्म बना पाना कितना, मतलब आप देखिए ना कि उस दौर में जी उस दौर में हमारे यहाँ लेंसेज नहीं मिलते थे, कैमरे नहीं बनते थे, हमारे यहाँ एडिटिंग की संपादन के उपकरण नहीं थे, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे, यहाँ तक कि टेक्नीशियंस तक 1950 तक तो टेक्नीशियंस हमारे यहाँ परदेसी होते थे बहुत सारे, तो लेकिन उस दौर में जो जज्बा था, जो जुनून था, जितनी सार्थक फिल्में बनी हैं, आप कितना नाम किसी की फिल्म का नाम ले लीजिए, चाहे आप अछूत कन्या ले लीजिए, बंधन ले लीजिए, नीचा नगर ले लीजिए, कितनी कहानियां हैं जिन पर एक बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हम इस तरह का प्रोडक्शन नहीं देखते, जबकि साधन सबके पास हैं, आधुनिकतम साधन है, टेक्निक है, हमने तो टेलीविजन के लिए काम किया है और वो फिल्में बनाई हैं, तो हमने वो दौर भी देखा है जब 5 मिनट का स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए दिन भर निकल जाता था, ए बी रोल एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज चढ़ाने के लिए 3-3 घंटे लग जाते थे, आज तो 1 मिनट नहीं लगता, 10 सेकंड में आप प्रभाव पैदा कर देते हैं, तो वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। यह एक ये क्यों नहीं हो रही है, मुझे लगता है ये सब इस सवाल के साथ हम लोग अपने दर्शकों और सुनने वालों जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया और मुझे लगता है दर्शकों को भी बातचीत अच्छी लगी होगी, मैं चाहूंगा मृदुला जी आए तो आप जी तो बहुत इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी जो बातें
इस फिल्म को इतना भव्य बनाती है, उन सब बिंदुओं पर हमने यहाँ पर आज चर्चा की राजेश बादल जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के साथ। और मदला टंडन जी उपस्थित हो गई है, नमस्कार मदला जी। नमस्कार, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बादल साहब, आपने जो सुनाया उससे मन भरा ही नहीं, सारे जितने लोग सुन पाए आपको हर एक यही लिख रहे, इतनी बारीकी और इतनी अद्भुत जानकारी इतनी रुचिकर तरीके से आपने दी है, बहुत आभार आपका। वाजपेयी जी और ममता जी, आप दोनों के लिए क्या कहूँ, आप होते हैं तो बातचीत में एक वो लुत्फ आता है, एक समझ आती है, क्योंकि आप उसमें अपनी सोच तो डालते ही हैं। हम सबकी तरफ से जो प्रश्न पूछने चाहिए आपने बादल जी से वो भी पूछ लिए, चाहे हमको ज्ञान ना हो लेकिन हमें पता तो है कि ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में कहीं चल रहे हैं, तो आपने वो सब किया। और आप तो दोनों ही खुद इतना जानते हैं कि आई थिंक ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक, बहुत खूबसूरत, और हर एक आप लोगों को साधुवाद दे रहा है, धन्यवाद कर रहा है, और बार बार यही कह रहा है कि दोबारा आप तीनों आइए और कुछ ऐसा सुनिए। नहीं, ये तो वाजपेयी जी और ममता जी का आग्रह था, आदेश था, और मुझे इसका पालन करना ही था। आनंद फिल्म के 50 वर्ष अभी 2 दिन पहले ही हुए हैं, तो हम किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे आनंद फिल्म पर, कि ऐसी कौन सी बात है कि 60 वर्ष हो, 50 वर्ष हो और हम उस फिल्म को आज भी देखते हैं और आज भी हम उसी तरीके से उसमें बहुत कुछ अर्जित करते हैं, आज के समय में भी वो फिल्म उतनी ही जो है ना रेलिवेंट हो, तो ऐसी फिल्मों पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की, इसीलिए तो इस फिल्म को कालजयी कहा जाता है, काल को जीत ले ऐसी फिल्म जिसके लिए काल का कोई फर्क ना पड़े, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, और आने वाले ना जाने कितने वर्षों तक ये फिल्म हमारे दिलों में धड़कती रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों के बीच के दिलों में धड़कती रहेगी। और यकीनन ये मीडिया स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। आपका सुझाव संदीप मारवा जी तो सुन ही रहे थे, उनकी माध्यम से दूर दूर तक चला जाए बहुत अच्छा रहेगा। संदीप मारवा जी मेरे भी बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, लेकिन संदीप मारवा जी के असल में वो संसार के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो 100 से ज्यादा संस्थाओं के शिखर पुरुष हैं, शतक लगाया है उन्होंने संस्थाओं का, तो अब मैं समझ सकता हूं कि उनके सिर पे कितना बोझ है, लेकिन फिर भी आपने जो अपील की है मुझे लगता है कि हम सब अपेक्षा कर सकते हैं संदीप मारवा जी से कि एक ही बहुत ही व्यवस्थित, परिपक्व और शानदार प्रोफेशनल कोर्स ऐसा निकालेंगे। असल में मुश्किल होती है फैकल्टीज की और वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में ये समस्या हल हो जाए। और मुझे सचमुच में मृदुला जी आपका, ममता जी आपका और वाजपेयी जी के तो कहने ही क्या, जब ये मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो हमारे जितने भी आयोजन होते हैं, आपकी पहल, आपका, आपकी कल्पना दृष्टि दोनों ही अद्भुत हैं, और हम अगले जब भी आए तो उम्मीद करते हैं जैसे तरह से गांधी वाले उस पे हुआ था, हमारे जो ऐतिहासिक शिखर पुरुष हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनके बारे में हम लगातार ये सिलसिला जारी रखें तो अच्छा रहेगा। और आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग यहाँ जुड़े रहे उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनके होने से ही हम सब भी यहाँ पर उस तरह से चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कमेंट यहाँ पर मिलते हैं और आप लोग लिख रहे होते हैं, तो किसी भी कार्यक्रम को करने का दरअसल मकसद भी यही होता है कि हम उसमें जितनी भी देर हम उसमें बैठे तो हम कुछ ना कुछ ज्ञान भी अर्जित करें, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश बादल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, तो शुभ रात्रि सभी को, जल्दी मिलेंगे शुक्रवार को, साक्षी हैं हम कुछ कविता कुछ बातें वाजपेयी जी के साथ, और संडे की पेशकश तो आपको बाद में ही पता चलेगी, यकीनन इतनी ही रोचक होगी क्योंकि राजेश बादल जी को इतनी जल्दी हम आपके पास से जाने नहीं देंगे। नमस्कार।